अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेब की खीर बनाने की रेसिपी। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी खीर बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और आसान सी बनेगी। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी कोई स्टेप रह न जाए। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। सेब की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 लीटर दूध, 2 सेब लिए, इनका हम छिलका उतार कर और कद्दूकस करके इस्तेमाल करना है। बादाम, काजू ग्रेट किए हुए, पिस्ता हम यहाँ गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर लिया है हमने यहाँ। थोड़ा सा केसर लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 150 ग्राम शक्कर लेंगे या फिर आप टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1/4 कप चावल लेंगे, हमने इसको 2 घंटे पहले भिगोया था और इसका भी हम पेस्ट बनाएंगे। सब में पहले सेब का छिलका उतार देंगे और फिर एक कद्दूकस के मदद से इसको हम ग्रेट करेंगे। चारों तरफ से घुमा घुमा कर ग्रेट करेंगे। दूसरा सेब भी इसी तरह से ग्रेट करेंगे। सेब को कद्दूकस करने के फौरन बाद हमें एक पैन में इसको ट्रांसफर करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम मत लगाइएगा वरना फिर जो सेब है वो काले पड़ जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे हम, 2 से 3 मिनट पकाएंगे हम इसको, जब तक कि हमारे जो सेब है वो हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। लगातार स्टर करेंगे, इसको पकाना जरूरी है। अगर हम सेब को डायरेक्ट दूध में डालेंगे तो दूध जो है वो फट जाता है, इसलिए इसको पहले अलग से पकाएंगे। शक्कर डालेंगे और इसे हम मिला देंगे लगातार स्टर करते हुए। चावल को पीस लेंगे 1/3 1/4 कप के करीब दूध भी डालेंगे जिससे कि ये आसानी से पीस जाएगा। दरदरा पीसेंगे इनको हम। आप चाहे तो चावल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यह चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे दूध को उबलने के लिए रख देंगे हम। दूध में हम इलायची पाउडर और केसर डालेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। दूध में उबाल आ चुकी है। जब दूध में उबाल आ जाएगी तब हम पीसे हुए चावल डालेंगे। चावल डालने से इसमें एक गाढ़ा टेक्सचर आएगा, क्रीमी सा, मिला देंगे इसको। इसलिए चावल डालना जरूरी है वरना आप बगैर चावल की खीर बनाएंगे तो आपकी खीर जो है वो पतली बनेगी। दूध को हम 1/3 पार्ट रिड्यूस नहीं हो जाता है तब तक इसको स्टर करते रहेंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, मिला देंगे इसको अच्छे से। आधे गार्निशिंग में डालेंगे हम ड्राई फ्रूट और गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और जो हमने सेब को पका के रखा था वो डालेंगे हम इसमें, मिला देंगे इसको अच्छे से। और यहाँ पर हमारी सेब की खीर बनकर तैयार है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। हम खीर को यहाँ पर सर्व करेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही मजे की हमारी सेब की खीर बनी है। बहुत ही मजे का इसमें एप्पल फ्लेवर भी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार हुई है। तो इस जबरदस्त हेल्दी टेस्टी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।